आज हम देखेंगे कोकोनट प्रॉन करी कैसे बनाते हैं। तो मैं हूं प्रिया, मेरे चैनल प्रिया रेसिपी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम एक बोल में करीबन 150 ग्राम के करीब प्रॉन डालेंगे। फिर हम इसमें एक छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और एक छोटी चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। तो इसे हम अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। वैसे तो ये प्रॉन 300 ग्राम था, लेकिन क्लीन करने के बाद ये 150 ग्राम है। मैरिनेशन का टाइम आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, अगर आप चाहे तो आप डाल सकते हैं। इसे हम साइड पे रख देंगे और अब हम जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। तो अब हम एक मिक्सी जार लेंगे और इसमें ऐसा एक छोटा टमाटर बारीक काट के डालेंगे, 3 हरी मिर्च डालेंगे, 2 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा डालेंगे और 4 से 5 लहसुन डालेंगे और इसका हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। और ये हमारा मसाला का पेस्ट रेडी है। तो इसे भी हम साइड पे रख देंगे और अब हम जाएंगे फाइनल प्रोसेस में। पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के गर्म होती है हम इसमें 2 बड़े चम्मच के करीब तेल डालेंगे और तेल के गर्म होती है हम इसमें एक छोटी दालचीनी का टुकड़ा, एक लौंग और एक इलायची डालेंगे। फिर हम इसमें एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को हम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। और जब ऐसा प्याज का कलर थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो जाए, तब हम इसमें मसाला डाल देंगे जो हमने पहले से ऐसे मिक्सी में पेस्ट करके रखा था। और ये मैंने मसाला जो है वो डाल दिया है। मसाला को भी हम प्याज के साथ 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ दे। और ये आप देख सकते हैं कि मसाला जो है वो तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। और बस इसी स्टेज में हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और हम वही मिक्सी जार लेंगे जिसमें हमने मसाला पेस्ट किया था। और इस बचे कुछ मसाला को भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसी में हम थोड़ा पानी डाल देंगे। ऐसा इसे ऐसा अच्छे से घुमा ले और फिर इसमें ऐसे डाल दे। पानी को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करके और इसे 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे चलाते जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं मसाला जो है वो ऑलमोस्ट पक चुका है। और बस इसी स्टेज में हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो पहले हम इसमें एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और फिर एक छोटी चम्मच हम इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे। मिक्सी में मसाला पेस्ट करते वक्त हमने पहले ही उसमें 3 हरी मिर्च डाला था, इसीलिए अभी हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर नहीं डालेंगे। सिर्फ एक अच्छा कलर के लिए हम इसमें कश्मीरी रेड चिली का पाउडर यूज कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि मसाला जो है वो अच्छे से भुन गया है। और बस इसी स्टेज में हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो मसाला है वो जल ना जाए। और ये प्रॉन करी का जो ग्रेवी है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसमें मैरिनेटेड प्रॉन डाल देंगे और ये मैंने प्रॉन डाल दिया है। ग्रेवी के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर दें और इसे हम ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। और इसी स्टेज में हम इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे। अगर आप प्रॉन को ज़्यादा फ्राई करते हैं तो प्रॉन में जो सॉफ्टनेस है वो ख़त्म हो जाता है और खाते वक्त प्रॉन का जो टेक्स्चर है वो थोड़ा रबरी हो जाता है। पानी के साथ प्रॉन को अच्छे से मिला दें और जब इसमें ऐसे उबाल आए तब हम इसमें कुछ बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे और 3 बड़े चम्मच के करीबन हम इसमें कोकोनट मिल्क डालेंगे। कोकोनट मिल्क बनाने के लिए आप थोड़ा सा छोटे पीसेज में कटा हुआ नारियल ले लें। नारियल को आप मिक्सी में डाल दें और थोड़ा सा पानी डाल दें मिक्सी में। फिर आप उसका एक अच्छे से पेस्ट बना लें। पेस्ट को आप अच्छे से निचोड़ लें और फिर आपका ये कोकोनट मिल्क एकदम रेडी हो जाता है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दें और फिर हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ढक देंगे। तो 10 मिनट हो चुका है और अब हम इसका ढक्कन खोल देंगे। और ये देखिए, आप देख सकते हैं पानी जो है वो बिल्कुल एब्जॉर्ब हो चुका है। और कवर करते वक्त आप गैस को एकदम लो फ्लेम पे रखें और धीमी आंच में इसे धीरे धीरे पकाएं। और ये आप देख सकते हैं कि ग्रेवी जो है वो कितना थिक है और ग्रेवी से तेल भी निकल रहा है। और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच चीनी। चीनी की जगह आप हनी भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि शहद। तो बहुत जन सोचते हैं कि चीनी डालने से जो डिश है वो मीठा हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी करी डिश बनाएं, यानी कि चिकन करी या फिर मटन करी, तो आप लास्ट में उसमें 1/2 छोटी चम्मच के करीब चीनी या फिर शहद डाल दें। उससे जो करी का टेस्ट है वो और भी अच्छा आता है। और ये आप देख सकते हैं कि कोकोनट प्रॉन करी जो है वो कितना कलरफुल और कितना टेस्टी बना है। और अब हम इसे सर्व करेंगे। तो आप इसे चावल के साथ सर्व करें, चावल के साथ ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आपने देखा ना कितना इजी प्रोसेस में और कितना कम समय में ये कोकोनट प्रॉन करी बनके एकदम रेडी हो गया है। तो आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको भी कैसा लगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।